सो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज का ये वाला वीडियो भाई पब्लिक डिमांड के ऊपर वीडियो है। मतलब कि यार बहुत सारा कमेंट आया मुझे इस चीज़ के ऊपर कि भाई यहाँ पे जो न्यू M1040 का 2.0 EU गन स्किन है उसको कंपेयर करो M1040 के सारे गन स्किन के साथ। ये हुई ना बात। तो गाइस अगर तुम लोग भी M1040 के न्यू EU गन स्किन को लेने का सोच रहे हो तो गाइस ये वाला वीडियो खास कर तुम लोग के लिए ही होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे सारे गन स्किन को रैंकिंग पे रख के दिखाया है। और गाइस आप लोग वीडियो देखो, आप लोग को पता चलेगा कि जो न्यू M1040 का 2.0 गन स्किन है इस लिस्ट के कितने नंबर पे आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो शुरुआत करते हैं टॉप 10 की लिस्ट से। तो कैसे यहाँ पर टॉप 10 पे मैंने रखा है M1040 के इस डार्क अपोलो कैलीगन स्किन को। कैसे ये वाला गन स्किन इनक्यूबेटर के अंदर आया था, जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पर डबल मैगजीन देखने के लिए मिलता है, सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में है। तो कैसे अगर बात करता हूँ गन स्किन के परफॉर्मेंस का, तो भाई देखो ये वाला गन स्किन नो डाउट के मैगजीन के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल गन स्किन है। 6 के बजाय तुम लोग को इस गन स्किन के अंदर 8 MO देखने के लिए मिलते हैं। मतलब क्या, तुम लोग सामने वाले बंदे को ऊपर धारदार फायरिंग करते रहो, 2 गोली एक्स्ट्रा मिलेंगे सामने वाले बंदे को, 2 गोली में फेंक दो, मतलब क्या कोई दिक्कत नहीं। और अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के डैमेज का, तो गाइस देखो यहाँ पर नॉर्मल M1040 अगर बात करता हूँ तो भाई ये वाला गन स्किन एक नॉर्मल M1040 से ठीक ही डैमेज देता है। मतलब क्या, नॉर्मल M1040 26 करके बॉडी डैमेज निकाल के देगा, ये वाला गन स्किन सिंगल डैमेज होने के कारण आप लोग को 27 का बॉडी डैमेज निकाल के देता है, जो कि काफी ज्यादा सही है एक नॉर्मल वाले से। बट यहाँ पे इस गन स्किन के अंदर एक बहुत ही बेकार माइनस पॉइंट देखने के मिलता है, जो कि यार इस गन स्किन का रिलोड स्पीड अगर आप लोग को मारने के बाद तुरंत रिलोड करने का आदत है तो गाइस वहां पे ये वाला गन स्किन थोड़ा सा डिफिकल्ट मोमेंट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा M1040 का विंटर लैंड गन स्किन, जिसके अंदर आपको सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, डबल एक्यूरेसी देखने के लिए मिलता है, मैगजीन यहाँ पे सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। तो कैसे देखो यार ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा सही गन स्किन है, एक्यूरेसी मुझे इसका काफी ज्यादा पसंद है। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो सामने वाले बंदे को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, हेड एकदम परफेक्ट कनेक्ट हुआ। तो कैसे यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब यार सामने से सामने वाला बंदा अगर आप लोग से थोड़ा सा दूरी में भी है तो कैसे इसका जो बुलेट है बहुत ज्यादा इधर उधर फैलता नहीं है। इसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा होने के कारण इसका जो बुलेट है वो एक्यूरेट रहता है, सामने वाले बंदे को ऊपर अच्छा खासा बेस पे जाकर कनेक्ट हो जाता है। और क्या सामने वाला बंदा मान लो अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट भी दिखा रहा है आप लोग को, तब पर भी आज कोई दिक्कत नहीं, ये वाला गन स्किन अपना एम उसके ऊपर बहुत इजीली कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देख लो ये वाला बंदा जंप किया, मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, बहुत तगड़ा इसको हेडशॉट लगा था। तो क्या ये वाला गन स्किन डैमेज आप लोग को अच्छा निकाल कर देगा, साइज का डैमेज निकाल कर देगा, बट यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है इस गन स्किन के अंदर। तो क्या ये वाला गन स्किन है या नहीं आप लोग पास कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अब बात करते हैं अगले गन स्किन का। तो गाइस ये जो सिंपल सा आप लोग गन स्किन देख पा रहे हो डबल डैमेज इस गन स्किन के अंदर, तो गाइस ये वाला गन स्किन भले से ही दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक गन स्किन है। इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, और गाइस आप लोगों गेम के अंदर M1040 के बहुत सारे डबल डैमेज वाले गन स्किन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन गाइस ये वाला गन स्किन आप लोग को सामने वाले बंदे को ऊपर 29 करके बॉडी डैमेज निकाल के देता है, और जितने भी सारे डबल डैमेज वाले गन स्किन है वो 27 से 28 बॉडी डैमेज निकाल के देते हैं, बट यहाँ पे ये वाला गन स्किन 29 करके आप लोग को बॉडी डैमेज निकाल के देता है। तो गाइस ये वाला गन स्किन दिखने से बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन गाइस मेरे कहने पर अगर आप लोग ये वाला गन स्किन नहीं यूज करते हो तो इस गन स्किन को यूज करके देखना, इसके अंदर आप लोग 3 चिप लगा के इस गन स्किन को यूज करना, मतलब कि कसम से बहुत ही मजा आएगा। ये वाला गन स्किन बहुत ही ज्यादा पावरफुल गन स्किन है। सो नेक्स्ट गन स्किन हमारा M1040 का ये वेस्टलैंड गन स्किन। गाइस इसके अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर डबल रेंज देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ फायर को सिंगल माइनस कर दिया। मतलब यार कुछ चीज अगर अच्छा देते हैं तो गाइस यहाँ पे कुछ चीज बेकार भी देते हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस देखो इसके अंदर आप लोग को डैमेज अच्छा देखने के लिए मिलेगा 27 करके, इससे आप लोग को बॉडी डैमेज दे पाओगे सामने वाले बंदे के ऊपर। बात करता हूँ अगर इस गन स्किन की रेंज का, तो गाइस देखो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग को एक नॉर्मल M1040 के मुकाबले बहुत अच्छा रेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस जैसा कि तुम लोग को पता है कि यार M1040 के अंदर रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रेट ऑफ फायर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर आप लोग को रेंज तो अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ फायर का यहाँ पे इन्होंने बैंड बजा के रखा है। इसके अंदर आप लोग को सिंगल रेट ऑफ फायर माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत कमी महसूस होगा इसके रेट ऑफ फायर में। बट यहाँ पे अगर रेंज की बात करता हूँ तो कैसे यहाँ पे सिंगल रेंज मतलब डबल रेंज होने के कारण अगर आप लोग सामने वाले बंदे से थोड़ा सा दूरी बनाकर फायर करते हो तो कैसे ये वाला गन स्किन आप लोग को बहुत तगड़े हेड निकाल के देगा, बट यहाँ पे आप लोग को अच्छे से ड्रैग करना आना चाहिए। तो कैसे देख सकते हो ड्रैग करोगे तो बहुत तगड़े यहाँ पर रेड नंबर देखने के लिए मिलेंगे थोड़े से रेंज में भी। और गाइस
अब यहाँ पे आता है M1040 का सबसे ज्यादा फेवरेट गन स्किन वॉयलेट टेरर गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को एक एट्रीब्यूट देखने के मिलता है बस, यहाँ पे रेट ऑफ फायर सिंगल अप में देखने के मिलता है। तो गैस आप लोग में से जितने बंदों को पता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि गैस ये वाला गन स्किन जब गेम के अंदर आया था गैस बहुत ज्यादा फेमस गन स्किन था। और आप लोग को पता होगा एक यूट्यूबर है सुदीप सरकार नाम का, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, एक टाइम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्लेयर रह चुका है मेरा। तो गैस ये वाला गन स्किन वो बंदा बहुत ज्यादा यूज करता था, मतलब क्या उस टाइम का M10 बॉट बोला जाता था सुदीप सरकार, लेकिन गैस आज तक उसका नाम कम हो गया। लेकिन गैस तब पर भी यहाँ पे इस गन स्किन को लेके उस बंदे ने बहुत ज्यादा हेड्स ऑफ वोल्टेज बनाए थे। अगर आप लोग चाहो तो उसके पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हो, अधिकतर वीडियो में आप लोग को यही M1040 का गन स्किन देखने के लिए मिलेगा। बात करता हूँ अगर इस गन स्किन के एट्रीब्यूट का, तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोग को एक एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, वो भी रेट ऑफ फायर सिंगल अप में देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को कुछ भी माइनस में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके अंदर आप लोग को मैगजीन, रिलोड स्पीड, डैमेज, रेंज सब नॉर्मल में देखने के लिए मिलेगा। रेट ऑफ फायर यहाँ पे बट काफी ज्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब कि यार एक नॉर्मल M1040 से तो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। और गाइस जब आप लोग इस गन स्किन के अंदर 3 चिप लगा के यूज करोगे तो भाई ये वाला गन स्किन आप लोग को बहुत तगड़े हेडशॉट निकाल के देने वाला है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि भाई ये वाला गन स्किन आप लोग के पास तैयार नहीं। और गाइस एक और बात, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो गैस इसका मतलब मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि आप लोग को रोक के रखा हुआ है। तो गैस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गैस मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ यार, मुझे भी आप लोग सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत रहता है, तो गैस प्लीज मुझे भी सपोर्ट करना, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना। तो चलो अब बात करते हैं अगले गन स्किन का। तो गैस यहाँ पर टॉप 5 पे मैंने रखा है M1040 के इस ग्रीन अपोलो कैली गन स्किन को, जो कि यार इनक्यूबेटर के अंदर आया हुआ था, जिसके अंदर आप लोग को सिंगल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, डबल यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिलता है, और गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गैस जैसा कि मैंने पहले कहा था यार, गिनने वाले कुछ अच्छा देते हैं तो कुछ बेकार भी दे देते हैं, मतलब यार इस गन स्किन के अंदर यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाता है। और गैस सच में अगर मैं बोलूँ तो गैस देखो यहाँ पे M1040 के अंदर रेंज और गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गैस यहाँ पे इसके अंदर तो आप लोग को रेंज काफी ज्यादा ओपी देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के रिलोड स्पीड का, तो गैस देखो तुम लोग का तो पता नहीं, लेकिन गैस मुझे यहाँ पे याद था कि गैस मैं जब भी M1040 को यूज़ करता हूँ मैं अधिकतर टाइम रिलोड करने लगता हूँ, तुरंत फायर करता हूँ 3-4 बुलेट और गैस तुरंत रिलोड करने लगता हूँ। और गैस वहाँ पे कभी कभी बंदा मुझे मार के चला जाता है रिलोड स्पीड, अगर सिंगल माइनस वाला गन स्किन में यूज कर रहा हूँ तो। तो गैस इसलिए यहाँ पे M1040 के अंदर रिलोड स्पीड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन इसके अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है। तो गैस इसलिए ये वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के टॉप 5 पे आता है। अब हमारा अगला गन स्किन है M1040 का, ये अटैक ऑन टाइटन। गैस ये वाला गन स्किन आप लोग को याद होगा बहुत दिनों पहले हमारे गेम के अंदर आया था, और गैस वापस से फिर से कभी रिटर्न में भी नहीं आया, स्टोर के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि यार काफी कम बंदों के पास तुम लोग को ये वाला गन स्किन देखने के लिए मिलेगा। और गैस इसके अंदर आप लोग को 2 प्रकार के डैमेज देखने के लिए मिलता है, मतलब कि यार बॉडी के ऊपर भी डैमेज दे सकते हो और गैस यहाँ पे वेस्ट के ऊपर भी डैमेज दे सकते हो, मतलब कि यार ये वाला गन स्किन M1040 का पहला ऐसा गन स्किन है जिसके अंदर डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, सिंगल आर्मर पेंटन भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि बॉडी के ऊपर भी खतरनाक डैमेज दे पाओगे और गैस वेस्ट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज दे पाओगे। बवाल चीज है भाई। तो गैस देखो यार गन स्किन तो मानता हूँ काफी ज्यादा बवाल है, बट यहाँ पे इसके अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस दे दिया गरीने वालों ने। और गैस मैंने आप लोगों को अभी बोला कि रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो गैस यहाँ पे वाला गन स्किन रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने के कारण ही हमारे लिस्ट के थोड़ा सा नीचे आता है। सो नेक्स्ट गन स्किन हमारे M1040 का ग्रीन फ्लेम ड्रैको गन स्किन, जो कि आता है टॉप 3 पे। ये क्या बात करता है यार। तो गाइस देखो मुझे यहाँ पे पता है कि बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लेम ड्रैको गन स्किन को टॉप 3 पे क्यों रख दिया। तो गैस इसका रीजन मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो को तो यहाँ तक देखो पहले। तो गैस देखो अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गैस देखो मैं यहाँ पे सिंपल से ये कहना चाहता हूँ यार, इस गन स्किन के अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है, तो गैस इसलिए वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के टॉप 3 पे है। अच्छा तो गैस देखो यहाँ पे नो डाउट कि यार M1040 का ये न्यू ईओ गन स्किन डैमेज और रेट ऑफ फायर के मामले में काफी ज्यादा बेहतरीन गन स्किन है, बट यहाँ पे इस गन स्किन को बहुत ज्यादा वीक कर देता है इस गन स्किन का रिलोड स्पीड। अगर आप लोग M1040 के अंदर 3 चिप लगा के यूज करते हो किसी डबल रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन को, तो डबल रेट ऑफ फायर वाला भी गन स्किन सामने वाले बंदे को 3 या 4 बुलेट में नॉक कर देगा, ये वाला भी गन स्किन 3-4 बुलेट में नॉक कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग दोनों के रिलोड स्पीड को चेक करोगे तो गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड इसके अंदर बहुत ज्यादा माइनस है, जिसकी वजह से
से गेम के अंदर बहुत बार दिक्कत होता है। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले कहा था, मुझे आदत है तुरंत फायर करो, तुरंत रिलोड करो, और गैस यहाँ पे इस गन स्किन की रिलोड स्पीड के कारण मैं बहुत बार मारा जा चुका हूँ। बात तो सही है। तो भाई बस यहाँ पे इस गन स्किन को टॉप 3 पे रखने का यही एक मेन रीजन है कि गैस इसके अंदर आप लोग को रिलोड स्पीड थोड़ा सा स्लो देखने के लिए मिलता है। सो अब बात करता हूँ टॉप 2 के गन स्किन का। तो गैस देखो, मैंने यहाँ टॉप 2 पे दो गन स्किन को रखा है। पहला आता है हमारा ये इंक्यूबेटर का रेड अपोलो कैली गन स्किन, और गैस दूसरा आता है हमारा M1040 का ये जो न्यू गन स्किन है, ब्लू वाला गन स्किन आप लोग को आर्मर स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करता हूँ अगर दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो गैस देखो यहाँ पे दोनों गन स्किन के अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे आप लोग को मैगजीन, सॉरी यहाँ पे रिलोड स्पीड भी सिंगल प्लस में देखने के लिए मिलता है। सिंगल प्लस में, माइनस में नहीं, सिंगल प्लस में देखने के लिए मिलता है। तो गैस इसीलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों गन स्किन को M1040 के ग्रीन फ्लेम ड्रैको वाले गन स्किन के ऊपर रखा, क्योंकि गैस इसके अंदर आप लोग को रिलोड स्पीड थोड़ा सा फास्ट देखने के लिए मिलता है, रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, गैस आप लोग को पता होगा कि मैं यहाँ पे अधिकतर M1040 के इस रेट अपोलो कैली वाले गन स्किन को ही यूज़ करता हूँ, और इस गन स्किन से भाई बहुत तगड़े हेड लगते हैं। इस गन स्किन के अंदर आप लोग 3 चिप लगा के सामने वाले बंदे को 3 बुलेट में ही बहुत ईजिली नॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिलोड भी आप लोग बहुत जल्दी कर पाओगे। मतलब कि थोड़ा सा फायर करो, तुरंत रिलोड करो, और फिर से सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करो। मस्त प्लान है। सो गैस चलो अब फाइनली हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 1 के गन स्किन के बारे में। मुझे पता है यार, बहुत बेसब्री से तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि टॉप 1 पे कौन सा गन स्किन होगा। तो गैस यहाँ पर टॉप 1 के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो यार मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत रहता है। तो गैस फाइनली ये रहा हमारा टॉप 1 का गन स्किन। तो गैस ये रहा हमारा एक और M1040 का 2.0 गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल आर्मर पेंशन, और गैस मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे इस गन स्किन का पता है सबसे ज़्यादा खास बात क्या है कि इसके एट्रीब्यूट्स को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कि इसके एट्रीब्यूट्स को आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक के अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर, एक के अंदर डबल रेट ऑफ फायर दिखा रहा है, एक के अंदर सिंगल आर्मर पेंशन, एक के अंदर डबल आर्मर पेंशन दिखा रहा है। बवाल चीज है वे। डैमेज की अगर बात करता हूँ तो कैसे वाला गन स्किन सामने वाले बंदे को ऊपर 26 करके बॉडी डैमेज निकाल के देगा। तो कैसे ये थे हमारे M1040 के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन, जिसमें से टॉप 1 पे आता है हमारा M1040 का न्यू 2.0 गन स्किन। तो कैसे अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि भाई यहाँ पे 10 गन स्किन में कौन कौन सा गन स्किन तुम लोग पास है, और तुम लोग का इन सारे गन स्किन में से कौन सा गन स्किन सबसे ज्यादा फेवरेट गन स्किन है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो कैसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज अपने हाथ को कष्ट देके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए आ रहे हो तो कैसे आप लोग मुझे भी सपोर्ट करो, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो, मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ यार, और मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत रहता है। तो गैस चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।